क्या नॉट आउट थे शुभमन गिल? अंपायर पर लगा टीम इंडिया के साथ बेईमानी का आरोप। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर, क्या है पूरा मामला, बताएंगे इस वीडियो में सब कुछ पूरी विस्तार से, पूरी डिटेल में। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी चाहते हो भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ WTC फाइनल मुकाबला जीते तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले में तीसरे दिन अंपायर के फैसले को लेकर विवाद छिड़ गया है। ऑस्ट्रेलिया टीम ने चौथे दिन के खेल में अपनी दूसरी पारी 270 रनों के स्कोर पर घोषित करते हुए भारत को 444 रन का लक्ष्य दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने सकारात्मक तरीके से खेलते हुए तेजी के साथ रन बनाने का सिलसिला शुरू किया। इसी बीच गिल के विकेट को लेकर तीसरे अंपायर पर ट्विटर पर यूजर चीटिंग करने का आरोप लगा रहे हैं। भारतीय टीम का स्कोर जब 41 रन पहुंचा तो स्कॉट बोलैंड की गेंद पर गिल के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और स्लिप में खड़े कैमरून ग्रीन ने कैच को पकड़ा। लेकिन इस दौरान मैदानी अंपायर ने इस कैच पर संदेह होने की वजह से उन्होंने तीसरे अंपायर की तरफ जाने का फैसला किया। इस मुकाबले में तीसरे अंपायर की भूमिका अदा कर रहे रिचर्ड केटलबर्ग ने जब रिप्ले देखा तो उसमें उन्होंने गिल को आउट करार दिया। इस फैसले को लेकर अब फैंस के साथ साथ कई पूर्व खिलाड़ियों ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। दरअसल रिप्ले में देखने पर गेंद मैदान पर लग रही थी। तीसरे अंपायर के इस फैसले को लेकर कप्तान रोहित शर्मा भी काफी नाराज नजर आया और उन्होंने इसको लेकर मैदानी अंपायर से भी उस समय बात की। वैसे दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट जरूर करें।